नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद आज आपको फिर दिखा रहा हूँ एक खूबसूरत मकान। एक खूबसूरत मकान को हम कैसे डिजाइन करते हैं, वास्तु के द्वारा उसकी कैसे दिशाएं निकालते हैं, उसके बाद उसकी ड्राइंग, उसके बाद उस मकान को पूरा करना एक बहुत अच्छा अचीवमेंट एक वास्तुशास्त्री के लिए होता है। दोस्तों मकान बनाना बहुत दुर्लभ कार्य है। ऐसा माना जाता है कि कम से कम 3 पीढ़ी के अंदर एक मकान बनता है। तो ये सपनों का घर, हम सपनों का घर कैसे बनाएं? आइए मेरे साथ आप चलिए देखते हैं हम एक ऐसा छोटा सा मकान 30x30 का मकान भी एक अच्छे वास्तु के द्वारा बनाया जा सकता है। यहाँ आने के बाद में लगता है कि मेरे को कुछ ऐसी बात सोचनी है जैसे बहुत ही लगती है। कौन से जैसे जैसे मुझे गाइडलाइन मिलती थी मैंने उसके अकॉर्डिंग किया और मुझे आपकी संतुष्टि भी है कौन बढ़ रहा है उस जगह पे। मैं कुछ कॉपर का वायर जो है वो करके और उस हिस्से को मैं अलग कर लूँ और वो अलग करने के बाद में उसका विधिवत पूजन कराने के बाद में जब मैं वहाँ पर वापस उसी जगह पर आता हूँ तो मुझे कुछ नेगेटिवली कुछ नहीं आती है। मुझे लगता है कि मैंने इसका जो उपचार करके कर दिया है वो एकदम मेरे लिए परफेक्ट है और मेरे लिए सही। आपके YouTube चैनल पे मैंने रोजाना एक आपका क्लिप देख देख के मैंने अपने जीवन में उसको डाला और वास्तव में जब मैंने मकान नींव से शुरू किया तो दिल से लेकर अब तक जैसे जैसे मुझे आपने गाइड किया मैं उसके अकॉर्डिंग होता गया। मुझे आज लग रहा है कि मैंने जो किया वो अच्छा किया और आपकी गाइडलाइन में जो कर रहा हूँ उससे मैं महसूस भी कर रहा हूँ कि वास्तव में ये जो चीज़ आई है। पहले मैं भी शायद नकारात्मक सोच रखता था लेकिन अब वो नहीं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार और प्रणाम। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं नई नई वीडियो में आपको नई नई बात बताऊंगा कि हम मकान को कैसे बारीक से करके हम वास्तु के एक नए पॉइंट पे नई नई जानकारी आपके साथ जुड़े रहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।